अच्छा भाइयों, लास्ट क्लास में हमने रिएक्ट का हेलो वर्ल्ड कर लिया था। हम डेव सीडिया के इस आर्टिकल को फॉलो कर रहे थे। हमने हेलो वर्ल्ड कर लिया था, लेकिन क्लाउड सैंडबॉक्स में किया था, सही है? ये फॉलो किया था हमने, क्लाउड सैंडबॉक्स में हमने हेलो वर्ल्ड किया था। अच्छा, और आप सब लोगों ने सीवी भी बहुत सारे लोगों ने बना ली है उसी ऐप के अंदर। अब हमने क्या करना है, यही वाला जो हेलो वर्ल्ड है ना, वो अपने पीसी में करना है। ये तो था प्लेग्राउंड। जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है वो इधर नहीं होती, क्लाउड सैंडबॉक्स में, ठीक है? वो आपको अपने पीसी में करनी होती है, जैसे वीएस कोड में एचटीएमएल की और जावास्क्रिप्ट की ऐप बनाते रहें, उस तरह से होती है। तो इसके लिए इधर नहीं आ रही, इधर इधर आ गई। अच्छा, सही नहीं, सही है। अच्छा, तो अब मैंने क्या करना है इसके ऊपर, देखो, एक फोल्डर था हमारा जावास्क्रिप्ट का, जिसमें सारी जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी हमने। एक नॉट जेएस का फोल्डर हमने बनाया था। अब मैं एक फोल्डर बनाने लगा हूँ रिएक्ट के नाम से, ठीक है? क्योंकि हम रिएक्ट थोड़ी पढ़ेंगे, एक दो क्लासेस और होंगी रिएक्ट की। तो मैंने कहा कि 3.react, सही है? और इस रिएक्ट के फोल्डर में आके मैंने क्या बनाना है, अब एक अदद हेलो वर्ल्ड बनाना है। तो मैं टर्मिनल खोल लेता हूँ, और टर्मिनल खोलने का शॉर्टकट क्या है, Ctrl+Backtick, ठीक है? Ctrl+Backtick से ही खुलता है, उसी से बंद भी होता है। अच्छा, मैंने कहा cd3react, और इस फोल्डर में आके मैंने क्या करना है, npx space create -react-app, और स्पेस डाल के उस जो मेरी ऐप का जो नाम है वो लिखना है। अच्छा, ये npx जो है ना, ये Node.js के साथ ही इंस्टॉल होता है। अगर आपके कंप्यूटर में Node.js इंस्टॉल नहीं है तो ये npx आपको मिलेगा ही नहीं, ये एरर दे देगा, ठीक है? तो मैं अगर किसी के पास Node.js इंस्टॉल नहीं है तो क्या करना होगा, पहले जाके Node.js लिखेंगे आप गूगल पे, और ये LTS वर्जन इंस्टॉल कर लेना है अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि आपके पास इंस्टॉल है? आप जब जाएंगे टर्मिनल के ऊपर, आप टर्मिनल पे जाके लिखेंगे Node -V, तो ये आपको बता देगा कि आपके पास वर्जन कौन सा इंस्टॉल है इस वक्त Node.js का, ठीक है? तो बेहतर ये है कि आप LTS वाला वर्जन इंस्टॉल करें, और अगर ये इंस्टॉल नहीं होगा आपके पास तो फिर क्या होगा, आपके पास वो काम नहीं करेगा जो कमांड में लिखने लगा हूँ ना अभी आगे। अच्छा, तो मैंने क्या कहा कि npx create react app hello world, और मैंने एंटर का बटन प्रेस कर दिया। अब ये क्या करेगा, एक फोल्डर तैयार करेगा जिसमें मुझे वो हेलो वर्ल्ड पूरा बना के देगा ये, ठीक है? अच्छा, इसको तैयार होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं इतनी देर में आपको ये बता देता हूँ कि ये कहाँ से देख के कर रहा हूँ मैं, ये डॉक्यूमेंट कहाँ पर है जहाँ से मुझे ये पता चला कि ऐसे बनती है रिएक्ट की ऐप। तो आप गूगल पे जाके लिखेंगे रिएक्ट और एंटर कर देंगे आप, ठीक है? तो ये react.js.org करके ये वेबसाइट पहले नंबर पे आ जाएगी, ये आपने ओपन कर ली। अच्छा, उसके बाद ये सामने देखिए लिखा हुआ है कि रिएक्ट क्या चीज़ है, एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस। तो गेट स्टार्टेड का बटन आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि अगर आपको रिएक्ट ट्राई करना है तो आपके पास ऑनलाइन प्लेग्राउंड्स मौजूद हैं। ऑनलाइन प्लेग्राउंड कौन कौन से हैं, कोड पेन, कोड सैंडबॉक्स और कोड ब्लिट्स। हमने इसमें से कोड सैंडबॉक्स यूज़ करके देख लिया है, तो हमें अभी प्लेग्राउंड नहीं चाहिए, ठीक है? हमें चाहिए क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप। तो क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप के लिए जो है, यहाँ पे भी टूल चेन, अरे यार क्या बकवास है, क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप व्हेन स्टार्टिंग अ सिंपल HTML पेज विद स्क्रिप्ट एंड लर्न हाउ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया ना, तो ये देखें स्टेप बाय स्टेप पूरा आ गया मेरे पास, ठीक है? अच्छा, इसके जो रेकमेंडेड टूल चेन्स हैं वो ये सारे टूल चेन हैं। हम इसमें से पहला वाला यूज़ कर रहे हैं क्रिएट रिएक्ट ऐप। उसके अलावा Next.js, Gatsby और भी बहुत सारे टूल चेन हैं। ये फर्स्ट वाला जो है इनका ऑफिशियल है। तो मैंने क्रिएट रिएक्ट ऐप पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें ये कमांड आ गई ये वाली, सही है? ऐसे करने से क्या होगा, एक नई ऐप बन के तैयार हो जाएगी। अच्छा, ये जो नई ऐप तैयार हो रही है मेरे पास, ये असल में क्या है, ये असल में बॉयलर प्लेट आपको दे देता है। जैसे ही आप ये कमांड लिखेंगे ये आपको क्या दे देगा, बॉयलर प्लेट बना के दे देगा। बॉयलर प्लेट हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, कौन बताएगा क्या होता है?
जो चेंज नहीं होता है नहीं ऐसा कोई है जो कोड जो हर जगह डिफॉल्ट भी नहीं होता। बॉयलर प्लेट हम डिस्कस कर चुके हैं, मुझे याद आ रहा है अच्छी तरह क्या जो मेहनत से लिखते हैं वो मेथड से। हाँ क्या कोड जो कंप्लीट हो रहा हो रिपीट हो रहा हो रिपीट रिपीट तो खैर हो रहा है हाँ, लेकिन एक वर्ड सुनना चाह रहा हूँ मैं, वो आप में से कोई अगर बोल दे तो दिल खुश हो जाएगा। तैयार शुदा कोड कह सकते हैं, लेकिन बॉयलर प्लेट क्यों बोल रहे हैं फिर उसको यार, बॉयलर प्लेट का क्या मतलब है? स्ट्रक्चर ये पैटर्न है उसको बॉयलर प्लेट बोलेंगे नहीं। अच्छा ये ब्रेन स्ट्रोमिंग का क्वेश्चन नहीं है, ये मैं बता चुका हूँ, वही मैं रिकॉल करवा रहा हूँ आपसे, ये पहले मैं बता चुका हूँ मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है। देखो बॉयलर प्लेट मैंने वो बर्गर वाले की एग्जांपल देके समझाया था, नहीं बताया मैंने बॉयलर प्लेट, ऐसा हो नहीं सकता कि पूरी जावास्क्रिप्ट ख़त्म हो गई और बॉयलर प्लेट का जिक्र ना आया हो। बता देता हूँ, चलो कोई मसला नहीं आप बता देता हूँ। देखो जो बॉयलर प्लेट कोड होता है ना वो ये होता है कि कोई भी ऐप बनाने के लिए आपको शुरू में ना कुछ कोड चाहिए होता है जो कि हर दफ़ा चाहिए होता है आपको। जैसे आप कोई अगर मोबाइल ऐप बना रहे हैं तो आपको लॉगिन और साइनअप का पेज तो हमेशा चाहिए, हर दफ़ा चाहिए। इसी तरह अगर आप कोई HTML की ऐप बना रहे हैं तो HTML में जो हेड होता है और बॉडी होता है वो चीज़ें आपको हर दफ़ा चाहिए, सही है। ऐसा नहीं है कि वो कोड फिक्स है, वो चेंज भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो कोड रिपीट हो रहा है, वो रिपीट नहीं हो रहा, वो है एक ही, ठीक है। तो ऐसे कोड को जो आपको जैसे घर बनाते हैं ना कभी, तो घर बनाने के लिए पहले आपको बुनियाद कुछ ऐसी चीज़ें वो चाहिए होती हैं, नीचे कुछ ऐसा बेस बनाना पड़ता है, फिर उसके ऊपर वो तैयार होता है, वो हर दफ़ा बनाना पड़ता है। तो मैं वो बर्गर वाले की एग्जांपल देके समझाता हूँ अक्सर, कि बर्गर वाले के पास ना प्लेट होती है जिसको तवा कहते हैं, जिस पे वो बर्गर बनाते हैं। अब वो जब आएगा ना दुकान खोलेगा जब वो, तो सबसे पहले उस तवे पे ना हल्का सा कपड़ा मार के उसके नीचे आग जला देता है हल्की आंच में। अच्छा वो क्योंकि उसकी प्लेट होती है मोटी होती है, मोटी प्लेट होती है, तो उसको गर्म होने में लगता है 15-20 मिनट लगते हैं उसको गर्म होने में। इतने में फिर वो सफाई वगैरह दूसरी चीज़ें चेयर वेयर आगे पीछे करता है, इतने में 15-20 मिनट में जब वो गर्म हो जाता है ना तो फिर उसको बर्गर बनाया जा सकता है। तो ये हर रोज़ करना है उसने आगे, यानी बर्गर बनाने से पहले अगर किसी भी वजह से उसने चूल्हा बंद कर दिया तो बॉयलर प्लेट, बर्गर बनाने से पहले उसको प्लेट गर्म करनी है। इसको ओवरकम करने का कोई तरीका नहीं है, उसको ये काम करना ही है, उसको 20 मिनट शुरू के उसके लगेंगे इसके अंदर, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी जब आप कोई नई ऐप स्टार्ट करते हैं तो भाई हेड है, बॉडी है, एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है उसको स्क्रिप्ट के ज़रिए कनेक्ट करेंगे, फिर एक CSS की फ़ाइल है उसको लिंक के ज़रिए कनेक्ट करेंगे, समझ लो। फोल्डर का एक स्ट्रक्चर है, अगर Node.js की ऐप है तो उसमें npm init है, package.json की फ़ाइल है, जो 4-5 बेसिक लाइब्रेरीज हैं वो उसमें इंक्लूड होगी, ठीक है। कॉर्स लगेगा, एक्सप्रेस लगेगा, MongoDB का कनेक्शन लगेगा, ठीक है। app.listen है, 3000 पोर्ट है, फिर वो process.env करके लिखेंगे हम कि भाई और 3000 ऐसे करके कि भाई process.env से उठा लो या 3000 पे चला लो। तो ये सारा कोड जो है वो जब भी आप कोई नई ऐप बनाते हैं ये सारा आपको दोबारा लिखना पड़ता है। तो इस तरह का जो कोड है वो बॉयलर प्लेट कहलाता है, क्योंकि ये बार बार आपको आपको चाहिए ही चाहिए ये कोड। इस कोड के बगैर आप एक्चुअल फंक्शनैलिटी पे तो काम आप जब करेंगे ना, जब भी पूरा लिख चुके होंगे, उससे पहले आप एक्चुअल फंक्शनैलिटी की तरफ नहीं आ सकते। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसको ओवरकम करने का तरीका है, जो डेवलपर्स होते हैं वो बॉयलर प्लेट पहले से लिख के रख लेते हैं, ठीक है। वो पहले से क्या करते हैं, बॉयलर प्लेट लिख के रख लेते हैं, जब भी उनको कोई नई ऐप बनानी होती है वो उसको उठाते हैं और उसी के ऊपर डायरेक्ट बनाना शुरू करते हैं। उससे क्या होता है, इनका थोड़ा सा टाइम बच जाता है। अब ये रिएक्ट की जो ऐप है ना, ये कमांड लिखने से आप देखो जो बन के आएगा ना, ये असल में क्या है, ये बॉयलर प्लेट है। इसमें क्या बना हुआ है, पैकेज डॉट जेसन की फाइल बनी हुई है,
ये हम पहले खुद से बनाते थे ना, npm init करके बनाया था हमने, git ignore की फाइल हम खुद से बनाते थे, बनी हुई है, सही है। src का एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें app.js, index.js काफ़ी सारी फाइलें बनी हुई है और सारी फाइलें आपस में कनेक्शन वनेक्शन सब ओके है, सही है। तो ये बॉयलर प्लेट बन के मेरे पास तैयार हो गया। अच्छा, अब ज़रा इसको हम देखना शुरू करते हैं कि इसमें है क्या, इसके फोल्डर के स्ट्रक्चर को ज़रा हम समझ लेते हैं। देखो, अच्छा ये VS कोड के अंदर कोई पता नहीं क्या बकवास है, ये एक फोल्डर अगर हो ना सिर्फ तो सीधा कर देता है उसको बिल्कुल। इसको मैं ज़रा रीनेम कर रहा हूँ ताकि ये मुझे ना सही से दिखाए इज्जत के साथ, ठीक है। ये वन हेलो वर्ल्ड और टू में अभी कुछ है नहीं, वो वैसे ही मैंने बना दिए ताकि वो फोल्डर को प्रॉपरली मुझे शो करे। अच्छा, तो ये हेलो वर्ल्ड जो है मेरा रिएक्ट ऐप, इसके अंदर सबसे पहले पैकेज डॉट जेसन है। पैकेज डॉट जेसन आप लोग सब जानते हैं कि क्या फाइल है, नॉट जेएस का पैकेज है तो उसके अंदर, इसलिए पैकेज डॉट जेसन है। इसमें देखो स्टार्ट की स्क्रिप्ट, बिल्ड की स्क्रिप्ट सब लिखी हुई है पहले से। डिपेंडेंसीज के नाम पे कुछ, देखो ये डिपेंडेंसीज के नाम पे कुछ लाइब्रेरीज पहले से मौजूद हैं, अदरवाइज ये हमें सारा हाथ से करना पड़ता है जो हम नॉट जेएस की ऐप में देख चुके हैं। उसके अलावा गिट इग्नोर की फाइल है, नॉट मॉड्यूल और बहुत सारी ऐसी फाइल्स हैं जो नहीं जानी चाहिए गिट हमने, तो वो सब यहाँ पे लिखी दी है, ठीक है। डी एस स्टोर जो है वो मैक का एक फोल्डर के अंदर ऑटोमेटिकली बनता रहता है, पता नहीं क्यों, वो भी इसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये जितनी चीज़ें हैं ना जिसको इग्नोर होना चाहिए वो पहले से लिखी हुई है। अच्छा, हमारे काम का जो आइटम है वो क्या है, वो है एस आर सी का फोल्डर। इसने क्या, अब आ जाते हैं यहाँ पे वो पांच स्टेप जो इसने बताए थे, ठीक है। इसने बोला द प्रोजेक्ट विल हैव ऐप डॉट जे एस, यही था ना, ऐप डॉट जे एस की फाइल थी। क्लोज दैट फाइल और डिलीट दैट फाइल, आ जाओ भाई डिलीट करते हैं, सही है, ऐप डॉट जे एस डिलीट दैट फाइल, सही है। अभी उसी को रेप्लिकेट कर रहे हैं मैं, और ऐप डॉट सी एस एस भी किसी काम की नहीं है, फिर ये दोनों भी सब डिलीट कर दिया, ठीक है। इंडेक्स डॉट जे एस पे हम आया, उसके बाद इसने बोला सेलेक्ट इंडेक्स डॉट जे एस फ्रॉम लेफ्ट पेन, सही है, होल्ड योर ब्रेथ, डिलीट एंटायर कॉन्टेंट ऑफ इंडेक्स डॉट जे एस, डिलीट एंटायर कॉन्टेंट ऑफ इंडेक्स डॉट जे एस, इंडेक्स डॉट जे एस का आया सारा कॉन्टेंट उड़ा दिया, सेट हो गया भाई ये भी। अब मैंने अगला काम क्या करना है, ये वाला जो कोड है ये index.js के अंदर जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब उसमें तो क्या होता था, सामने खुद से रन हो के आ जाता था, इसमें मुझे रन करने के लिए यहाँ पे आके लिखना पड़ेगा, पहले तो cd करके इस फोल्डर के अंदर जाऊँगा मैं, सही है, इस फोल्डर के अंदर मुझे रूट पे आना पड़ेगा, उसके बाद npm start, Node.js की ऐप कैसे स्टार्ट होती है, npm start। अब वो अंदर तो स्क्रिप्ट थोड़ी डिफरेंट ही है ऑब्वियसली, देखो अंदर स्टार्ट की स्क्रिप्ट के अंदर ना क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ऐसे होती है ये स्टार्ट, लेकिन हमें वो सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये भी लिखेंगे तो चलेगा डायरेक्ट मतलब, लेकिन हमें क्या लिखना है, npm start लिखना है, दैट्स इट। npm start मैंने जैसे ही लिखा, npm start मैंने जैसे ही लिखा यहाँ पे, आप देखें क्या हुआ, ये मेरी ऐप ना इसमें ओपन हो गई, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ गया, सही है यार, वो एक ब्राउज़र मैंने बंद कर दिया क्या, ठीक है गलत टैब में चल गया। अच्छा तो वेल ये मेरे पास ना हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया भाई। अच्छा ये हेलो वर्ल्ड कहाँ से लिखा हुआ है, ये यहाँ से लिखा हुआ है। अगर मैं हेलो वर्ल्ड हटा के क्या कर दूँ, इसमें हेलो मलिक कर दूँ तो यहाँ पे रियल टाइम में ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और नोट करें, यहाँ पे जब भी मैं कुछ बात लिखता हूँ और कंट्रोल एस दबाता हूँ तो ये कंपाइलेशन लिखा हुआ है यहाँ, और फिर वो कंप्लीटेड कंपाइल्ड सक्सेसफुली लिखा हुआ है कि कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। जो बात हो रही थी ना कि पहले रिएक्ट का जो कोड है वो क्या होता है, बहुत सारे स्टेप से गुजरता है फिर जाके रन होता है, तो ये वो चीज़ भी आपने देख ली है। सब लोगों को समझ आया कि कैसे हो रहे हैं, हो जाएगा ईजली, मुश्किल तो नहीं है कुछ। नंबर एक स्टेप,
नंबर एक स्टेप npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और ऐप का नाम, वो मैंने आपको दिखा दिया मैंने कहाँ से देखा है, वो ये लिखा हुआ है। ये मैं आपको air.sysborg पे ये कमांड शेयर भी कर देता हूँ, ठीक है। इससे बॉयलर प्लेट बन के तैयार हो गया। उसके बाद जब बॉयलर प्लेट बन गया तो यही वाला पांचवा स्टेप जो आपने फॉलो करना है, रन करने के लिए npm start और रन हो के आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से इस ऐप को जल्दी से रन करें अपने पास। जो आपकी CV थी जो क्लाउड सैंडबॉक्स में थी वो इधर होनी चाहिए और github.com पे पुश। आसान है ना, ये जो बीच में कोड ये लिखा हुआ है ये वाला, इधर ही CV बनाई है ना, इसी डिव में आपने CV बनाई है सब लोगों ने, तो इस डिव के अंदर ना वो CV पेस्ट करके ना पूरी वो CV यहाँ पे पेस्ट करेंगे, जो क्लाउड सैंडबॉक्स में लिखा है वो यहाँ पेस्ट कर देंगे, तो ये बन गया। और ये करने के बाद क्या करेंगे आप, इसको github.com पे इस कोड को आप पुश कर देंगे। ये आपकी पहली रिएक्ट की ऐप होगी जो आप अपने github में पुश कर रहे होंगे, ठीक है। ये अभी हो जाएगा, अभी हमारे पास 30 मिनट्स बाकी हैं, ईजिली 30 मिनट में हो जाएगा ये। अगर तो ये 30 मिनट में आप लोगों से हो जाता है तो मैं फिर आपको ना इसको होस्ट करना भी बता दूंगा। जैसे HTML की वेबसाइट तो हम GitHub पेजेस पे होस्ट करते थे ना, लेकिन GitHub पेजेस को भी बहुत यूज़ कर लिया हमने, अभी कुछ नया ट्राई करते हैं, जैसे कि Firebase होस्टिंग, जैसे कि Netlify की होस्टिंग, जैसे Surge, इस तरह और भी सर्विसेज हैं जो GitHub पेजेस के अलावा हैं, तो उनमें से कोई एक ट्राई करते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इतना काम आप कर लें और CV आपकी स्क्रीन पर खुली भी हो, या बल्कि स्क्रीन पर क्या खुली भी हो, मुझे पुश करके ना GitHub में वो उसका URL यहाँ भेज दो तो मुझे खुद ही पता चल जाएगा। तो जब सब लोग ये बना लेंगे तो 5 मिनट का काम है, एक या दो कमांड्स हैं वो लिखूंगा मैं GitHub, वो Firebase पे जाके होस्ट हो जाएगी आपकी वेबसाइट और सब कुछ मसला हल हो जाएगा। नहीं कर सकते हैं, Netlify की भी होस्टिंग अवेलेबल है, वो भी फ्री में कुछ देते हैं थोड़ा बहुत। Firebase तो अच्छा खासा फ्री में देता है, सर्च भी देता है फ्री में। नहीं, प्राइसिंग देखो किस हिसाब से अच्छा कौन सा है, देखो। हाँ, तुमने अच्छा सवाल पूछा ही है। देखो अभी के हिसाब से ना ये सब एक ही है, बराबर है। अभी एज अ जब आप डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, एज अ प्रैक्टिस के लिए जब आप करते हैं उसको डिप्लॉय करो तो सब एक ही है, सब थोड़ा थोड़ा आपको फ्री देते हैं। लेकिन जब आप जाहिर है प्रोडक्शन की ऐप डालेंगे तो आप फिर प्राइसिंग का कंपैरिजन करते हैं कि कौन अच्छी प्राइसिंग दे रहा है आपको। फिर दूसरा ये कि बड़ी कंपनी कौन सी है, बड़ी तो सबसे Firebase है क्योंकि Firebase गूगल के हाथ में, ठीक है। अच्छा, फिर ज़रूरी भी नहीं है कि आप प्रोडक्शन की ऐप कर रहे हैं तो आप इनमें किसी में करें, आप गूगल क्लाउड पर अपना ऐप इंजन खरीद के वहाँ पर भी कर सकते हैं, EC2 के इंस्टेंस पर भी कर सकते हैं, AWS का भी एक है सर्विस इलास्टिक बीनस्टॉक, उस पर भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ऑप्शन फिर आपके पास बहुत सारे होते हैं पेड में, लेकिन फ्री में ऑप्शन ये यही 3-4 हैं जो मैंने आपको बताया। Firebase ऑथेंटिकेशन अच्छा आइटम नहीं है, होस्टिंग सिर्फ मैं यूज़ करता हूँ Firebase की, और स्टोरेज दो चीज़ें यूज़ करता हूँ, दोनों अच्छे हैं। बाकी Firebase का डेटाबेस भी बेकार है और ये भी बेकार है। Firebase का डेटाबेस इसलिए बेकार है कि उसमें सिक्योरिटी रूल्स लिखने पड़ते हैं, और ऑथेंटिकेशन इसलिए बेकार है कि ऑथेंटिकेशन एक बार आपने कर ली ना अगर Firebase से तो वो डेटा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, वहाँ से कहीं और नहीं ले जा सकते, वो लॉक इन कर लेता है आपको, सही है। अगर आप अपने यूज़र को कहीं और लेके जाते हैं तो यूज़र को आपको तंग करना पड़ता है, उसको आपको बोलना पड़ता है पासवर्ड रीसेट करो अपना। ऑब्वियसली आप जब उसको पासवर्ड आपको वो लिस्ट नहीं देता कहीं ना कि आपके कौन कौन से यूज़र आपके शामिल हैं। आपने मिसाल के तौर पर आपके प्लेटफॉर्म पर 1 लाख यूज़र आ गए, अब वो 1 लाख यूज़र Firebase की ऑथेंटिकेशन से लॉगिन है ना अगर, तो उसकी एक्सेल में आप लिस्ट नहीं एक्सपोर्ट कर सकते कि चलो भाई मैं MongoDB पे ले जाऊँ, अब मैं प्रॉपर ऐप बना रहा हूँ, अब मैं अपना ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना रहा हूँ, वहीं पे रहेगा वो, कहीं और जा ही नहीं सकता। फिर दूसरा ये कि Firebase का जो डेटाबेस है वो भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं ना तो Firebase ऑथेंटिकेशन के बगैर वो किसी काम कर रहे हैं, तो अगर डेटाबेस यूज़ करेंगे तो ऑथेंटिकेशन भी उन्हीं की यूज़ करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि सिक्योरिटी रूल लगेगा किस पे, वो तो लगेगा ही उसी पर ना कि इफ़ इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू ऑथ ऐसे करके लगता है कि बंदा लॉगिन है तो ये दे दो, बंदा लॉगिन नहीं है तो ये दे दो, फिर बंदे की आईडी अगर ये है तो इस फोल्डर का एक्सेस दे दो, आईडी अगर ये है तो इस फोल्डर का एक्सेस दे दो, ऐसे होता है। तो वो असल में आप एक चीज़ यूज़ करते हैं वो कहता है यार ये भी करोगे तो सही चलेगा, फिर वो ये भी करोगे तो सही चलेगा, और लास्ट वाली चीज़ पर आपको लॉगिन कर देता हूँ,
तो ये गलत कर रहे हैं ये लोग। चलो जल्दी जल्दी ये करो यार, सही है।